नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ रवि मेहता। चुनावी सफर में आज हम मौजूद हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में, जहां श्री नारायण यादव के पुत्र ललन यादव ने नामांकन करवाया है, नॉमिनेशन करवाया है। और आप देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में उनके समर्थक का बात करवाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से इनके समर्थक लालू राम ने जिंदाबाद बात करवाने का प्रयास सुनिश्चित है। 40 वर्षों के सेवा का ये फल है, लालू जी और मेरे पिताजी के आशीर्वाद का फल है, भाई तेजस्वी के सहयोग का ये फल है। और जनता उब चुकी है नीतीश सरकार से, अब बदलाव चाहती है और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ कर तेजस्वी सरकार का गठन होगा। सर, जिस प्रकार से आपको हजारों हजार का समर्थन मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा समर्थन आज तक देखने को नहीं मिला किसी नेता के काफिले में, इतना अधिक संख्या हजारों की संख्या में है। मैंने कभी जात की राजनीति नहीं किया, जमात की राजनीति किया, समाज को साथ लेके चला। जिन किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ा मेरी, मेरे पास आए, सम्मान बैठा कर उनका काम करने का मैंने कार्य किया है। क्या लगता है कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। सर, बेगूसराय में जिस तरह से आपकी लहर रहर है, क्या लगता है कि यह लहर आप जो है इस भीड़ को आप वोट में तब्दील कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सर, साहेबपुर कमाल की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पूर्व भी यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर भारी मतों से मेरे फादर को जिताया था और उसी तरह इस बार मुझे भी यहाँ की जनता जिताएगी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ललन यादव जी, और लगातार इनके समर्थकों का हुजूम चल रहा है और इनसे समर्थकों से बात करेंगे। इस तरह से यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि कितना अधिक संख्या में भीड़ है। थोड़ा सा हम साइड होंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या यह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी, यह भी एक प्रश्न बना रहेगा। आप थोड़ा सा आइए, क्या नाम है सर आपका? संजीव दास। संजीव दास सर, मुझे ये बताइए, इतनी अधिक भीड़ है, क्या यह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? एकदम निश्चित, निश्चित रूप से। जैसे कि मेरा उम्मीदवार महागठबंधन का उम्मीदवार है, इसमें सभी दल को जो कार्यकर्ता हैं एकजुटता के साथ यह प्रदर्शन करने का काम किया है, और यह प्रदर्शन नहीं है, वोट माना जाए, वोट माना जाए, माना जाए। तो क्या लगता है कि यहाँ से इस बार अपनी सीट को निकाल पाएंगे? निश्चित निश्चित, 100%। आपका क्या नाम है सर? राजकिशोर यादव। राजकिशोर यादव, आप तो भगवा पहने हुए हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कितना समर्थन मिल पा रहा है यहाँ पे? लालटेन चाप अबड़ी यहाँ से निकल जाएंगे, निकल जाएगा, पूरे बिहार से निकलेगा। तेजस्वी यादव मंत्री बन कर रहेगा। मुझे एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जी लगातार कह रहे हैं कि हम सेवा करते हैं और विपक्षी हमारा जो है राजद पर उनका इशारा था कि वो मेवा खाते हैं, ऐसा लगता है क्या आपको?
झूठ मूठ को मने जो है ना बरगला करके जनता को रखते हैं, बरगला के रख रहे हैं। हाँ, विकास क्या किया उनको? कुछ नहीं किए। सात निश्चय सफल हो गया क्या? हाँ, योजना में पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। सात निश्चय उसको पूरा हुआ कहाँ? बताइए कौन निश्चय हुआ? बिहार में दारू बंद किया है, दारू बिहार में बंद है, दारू अभी होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर दारू मिल रहा है। क्या नीतीश कुमार विकास नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार में बाहर बा है ना, तो क्या और यहाँ के युवा कह रहे हैं कि हम तो बेरोजगार बा, क्या आपका क्या कहना है? हम लोग बेरोजगार हैं सही में है। इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार सुनिश्चित है। ललन भैया जिंदाबाद। राजीव यादव। राजू यादव जी। यादव बहुल क्षेत्र है क्या ये? बहुत 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 भयंकर क्षेत्र। ललन यादव निकल पाएंगे? एकदम गारंटी है, गारंटी है, बिल्कुल। किसकी सरकार बनने जा रही है? तेजस्वी का, आरजेडी का। आरजेडी बन जाएगी। आप युवा सर, आप इधर आइए। तो सरकार जिस तरह से दावा कर रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, बहुत बहुत तरह का दावा है, आपको क्या लगता है सरकार सफल हुआ या विफल हुआ? पिछला विफल हुआ, पिछला विफल हो गया जी। तो तेजस्वी जी क्यों पसंद है आप लोगों को? युवा है इसलिए क्या जी? तेजस्वी सरकार रोजगार सलामत, अच्छा काम करेंगे, काम करेगा, इसलिए काम है। कमाल विधानसभा में कोई नहीं है टक्कर, कोई नहीं है। समर्थकों का कहना है कि साहेबपुर विधानसभा में कोई नहीं है टक्कर में। एक काफिला इतिहास देख, इतिहास इतिहास बता रहे हैं क्या? यहाँ से लगातार आरजेडी जीत रहा है, लगातार आरजेडी जीत रही है। इससे पहले श्री नारायण यादव थे, विकास निगर मंत्री भी थे। यहाँ जो है इतिहास ही देख लीजिए ना, श्री नारायण यादव जी का, और अभी ललन भैया हैं, 100% निकलेंगे। और सब बिहार सरकार को नई सरकार, युवा सरकार चाहिए। नीतीश जी बार बार वादा कर रहे थे कि विशेष राज्य किधर जा, कहाँ गया? दारूबंदी, घर घर में दारूबंदी मिल रहा है। बिहार में बाहर वा सुशासन की सरकार वा, आपका क्या कहना है? सुशासन की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। आप इधर आइए, बहुत जोर जोर से बोल रहे थे भाई साहब, क्या क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा बिहार? एकदम 100% बदलाव होगी। और यहाँ का क्या स्थिति है? यहाँ तो पूरा लालटेन छाप एकदम पूरा हो कर रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण बहुमत से जीत हो रहा है। चलिए, ये आरजेडी के समर्थक भी हैं, और यहाँ से इतिहास भी आरजेडी का जबरदस्त रहा है कि यहाँ से आज तक आरजेडी हारी नहीं है। सब दिन इनका लगातार श्री नारायण यादव का यह अपना मूल क्षेत्र है, और उसमें लगातार उन्होंने जीत दर्ज किया है। उनके पुत्र क्या उनके नैया को पार लगा पाएंगे? क्या वो इस बार आरजेडी को सीट दिला पाएंगे? क्या नाम हुआ आपका सर? मोहम्मद रुस्तम। मोहम्मद रुस्तम जी, चलिए आप तो बड़ी यूनिक ड्रेस में भी हैं, क्या लगता है कि इस बार कौन? तेजस्वी ललन यादव। ये जो परिवर्तन का बहार देख रहे हैं, ये तेजस्वी के पक्ष में है, तेजस्वी के पक्ष में है। हम लोगों ने बलिया की जनता, शाहपुर कमल विधानसभा की जनता ने दो बार पलटू चाचा के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। उन्होंने बीच मझधार में, कोई दो साल में, कोई तीन साल में, हम लोग को छोड़ के चला गया, बदनाम करके छोड़ दिया हमारे क्षेत्र को। आप एक नया छवि, युवा चेहरा आया है, तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। हमारा उम्मीदवार ललन यादव है, और अपार बहुमत से ललन यादव जीतेंगे और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। इस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि इन्होंने सात निश्चय के तहत बिहार में बदलाव किया है, और लगातार वो विपक्ष पर भी टारगेट कर रहे हैं कि वो लोग हम सेवा करने वाले हैं और विपक्षी मेरा मेवा खाने वाला है। क्या लगता है कि कौन सेवा खा रहा है, कौन मेवा कर रहा है? आपने अभी ये चर्चा किया सात निश्चय योजना का, उसमें उनके सहयोगी पार्टी जो आज उनके विरोध में है लोजपा, उनके वरिष्ठ नेता चिराग पासवान ने बोला है कि उनके सात योजना में भारी अनियमितता पाई गई है, भारी घोटाला हुआ है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उसकी जांच करेंगे, और मुख्यमंत्री जो अपना दावा ठोकते हैं विकास पुत्र का, उसको जेल भेजवाने का काम करेंगे। हम नहीं, चिराग पासवान जी का कहना है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, क्या ऐसा हो पाएगा? फर्स्ट सरकार बनती है, फर्स्ट तारीख में होगा। क्यों होगा आप श्रीमान जान लीजिए, उतना सीट
हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उतना सीट खाली रखे हुआ है, वो सीट को सिर्फ भर देंगे तो 20 लाख बेरोजगार लड़का रोजगार में स्वतः चला जाएगा। और लगातार एक और बात और उभर के सामने आ रही है, तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि बिना चढ़ावा का किसी भी सरकारी कार्यालय में काम नहीं होता है, इस संबंध में आप कुछ क्या कहना? एकदम सही बात है, वो देखने की चीज़ है। आज के कोई ऑफिस आप चले जाइए, कोई कार्यालय चले जाइए, बिना दान दक्षिणा का आपका एक काम एक टेबल से दूसरे टेबल नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वह भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भावी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहा, और मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे ये बिहार की जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार समाप्त होगी और गरीब का राज होगा, गरीब का शासन होगा, राजद की सरकार होगी। और आप सर इधर आइए, तो मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर में युवाओं का जो समस्या है, रोजगार का जो बात है, वह कहीं ना कहीं दब सी जाती है, इस संबंध में भी हम लोगों से लगातार बात करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या डिमांड रहेगा, और भी लोग हैं इनसे बात करने। आप थोड़ा इधर आइए, तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? एकदम होना चाहिए, होगा भी 100% बोल रहे हम ठीक है, लेकिन क्या खराबी लगता है अपने जितना भी वादा किए, हम तो फिर कहते हैं सात निचले देख लीजिए क्या है, एकदम पैसा निकासी का प्रोग्राम है, वो एकदम पैसा निकासी प्रोग्राम है, पेपरे पर जल निकासी होता है, गांव घर में जाइए तो जल का बर्बादी क्या होगा, उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ, युवा का रोजगार का क्या हुआ, दारूबंदी देख लीजिए कितना बंद है, तो बंद है बोल रहा है, कहाँ बंद है, थोड़ा सा नीतीश जी और टाइट करेंगे तो पैक बना के मिलेगा, पिला देगा वो।